मैं खुशरू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। अपनी आखिरी इच्छा भी अधूरी छोड़ गए सुशांत सिंह राजपूत। चलिए हम आपको पूरे अपडेट देते हैं और आपको अपडेटेड करते हैं, पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए कि इससे जुड़ी हुई हम आगे की भी लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले लेके आ पाए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ। रेस्ट इन पीस करके कमेंट जरूर कीजिए या तो RIP करके कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि काफी सारे लोग होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं, उनको देख के हम लोग खुद हंस पड़ते हैं। सुशांत सिंह राजपूत उनमें से एक थे, बहुत ही अच्छे कलाकार थे। टीवी सीरियल से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, धीरे धीरे उन्होंने बॉलीवुड में अपना नाम इतना ज्यादा कमा लिया था कि लोग उनको देखना काफी ज्यादा पसंद करते थे। वो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा एक्टिव रहते थे, बहुत ही ज्यादा जिंदा दिल थे। पर जैसे ही कल इसके बारे में खबर आई तब लोग काफी ज्यादा सन्न रह गए कि ऐसा इंसान जो कि लोगों को मोटिवेट करता है, जो कि इतनी अच्छी अच्छी बेहतरीन जिसने मूवी दी है, जिसके करियर को लेके वो आसमान छू रहा था, उसको कोई भी चीज की परेशानी नहीं थी, ना तो फैमिली से, ना तो करियर से, ना तो खुद से कोई भी परेशानी नहीं थी। आखिरकार वो ऐसा जिंदा दिल इंसान डिप्रेशन में जाके अपनी खुद की जान कैसे ले सकता है। हम आपको बता दें कि मुंबई में जो उनका बंगलो है वहां पर उनके जो नौकर है उसी ने बताया कि सर जी का जो रूम है वो लॉक हुआ है। पुलिस जब वहां पर पहुंची तब पुलिस ने ही अंदर दरवाजे को जब तोड़ा तब तोड़ के पता चला कि सुशांत सिंह ने अपने आप को हैंग कर लिया है। उस दौरान ही हम आपको बता दें कि उनकी आखिरी इच्छा क्या थी। आप लोगों को याद होगा कि 2016 में MS धोनी जो कि मूवी आई थी और उस दौरान ही वो काफी जगह पर दिल्ली में प्रमोशन कर रहे थे, और उस दौरान ही वो अपने स्कूल जहां पर उन्होंने 11वीं 12वीं की थी और दिल्ली के साथ उनका बहुत ही ज्यादा एक गहरा नाता है, जहां पर उन्होंने एक्टिंग सीखी थी और अपने स्कूल में भी गए थे जहां पर उन्होंने बच्चों के साथ बातचीत की और उस दौरान हर एक जगह पर कोना कोना घूमे। हम आपको बता दें कि उनके स्कूल का नाम है दिल्ली में कुलाची हंसराज स्कूल से उन्होंने 11वीं और 12वीं की पढ़ाई की। आगे उन्होंने बहुत ही ज्यादा मस्ती की, फिर उस दौरान ही उन्होंने थिएटर डाला, थिएटर सीखा, एक्टिंग सीखी, और जब MS धोनी 2016 में रिलीज होने वाली थी तब उस दौरान ही वो अपने स्कूल में भी गए थे और स्कूल में जाके उन्होंने हर एक जगह को देखा, हर एक यादें ताजा की। पर उनकी वहां पर एक इच्छा थी कि वो स्कूल की लैब में जाना चाहते थे, पर वो स्कूल की लैब में पहुंच नहीं पाए क्योंकि उस वक्त स्कूल की लैब बंद थी और उनकी जो वो इच्छा थी वो वहीं के वहीं रह गई और आखिरकार वो वापस फिर दोबारा से आ गए। हम आशा करते हैं कि उनकी फैमिली को इस दुख को झेलने की और भी ज्यादा ताकत दे, और जो सुशांत सिंह राजपूत जी जो हमारे बीच में नहीं रहे हैं इस वक्त, पर वो हमेशा हमारे दिलों में कायम रहेंगे, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।